इराक स्थित अमेरिकी सैन्य शिविरों पर रॉकेट दागे तो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां सकते में आ गई। अमेरिकी सैन्य शिविरों पर एक नहीं पूरे 10 से ज्यादा रॉकेट दागकर हमला किया गया। अमेरिकी सेना के मुताबिक जिन रॉकेट से हमला किया गया ये ईरान निर्मित अराश मॉडल के थे और इस तरह के पहले किए गए हमलों में प्रयुक्त रॉकेट से अधिक वजन वाले थे। हमले में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिकी सैन्य शिविरों पर दागे गए रॉकेट हमले के बाद अमेरिका सतर्क हो गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से इस हमले के बाद चिंता जाहिर की गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा हाल ही में सीरिया की इराक से लगती सीमा पर ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकानों पर किए गए मिसाइल हमलों का ये बदला हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। हाल के महीनों में सैन्य ठिकानों पर इस तरह के हमले तेजी से बढ़े हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक तैनात हैं। एक महीने में इराक पर हुए इस दूसरे हमले को पोप फ्रांसिस के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। दो दिन बाद पोप फ्रांसिस बगदाद, दक्षिणी इराक और उत्तरी शहर इरबिल के दौरे पर आने वाले हैं। इसी बीच अमेरिका ने अपनी नागरिक उड़ानों को खाड़ी इराक और ईरान में प्रतिबंध कर दिया है।